हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज सभी के मन में डाउट था कि नई प्रश्न बैंक जो है उसमें से आएगा या नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन सभी छात्रों के मन में उठता है। तो देखिए, यहाँ पर दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, दो दिन पहले यहाँ पर ये इन्होंने लॉन्च की है दो दिन पहले। और यहाँ पर देखिए, एमपी बोर्ड ने जारी की गई 500 प्रश्नों बैंकों की नई प्रश्न बैंक, इसे हल करने से आसान हो जाएगी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएँ। तो पूरी बात को यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है। पुरानी प्रश्न बैंक में छात्रों को आ रही थी दिक्कत, इसलिए उसको हटा दिया गया है और नई प्रश्न बैंक में भी 500 प्रश्न, परीक्षा की तैयारी होगी आसानी। अब आप बहुत ध्यान से यहाँ पर इस न्यूज़ को पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा। यहाँ पर आपके पास लिखा है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूर्व में जारी की गई 500 प्रश्न वाली प्रश्न बैंक को पूरी तरह से बदल कर जारी किया है। ऐसे में छात्रों को अब जो प्रश्न बैंक स्कूल से मिल रही है, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको मिल रही है, उसी के आधार पर आगामी प्री बोर्ड परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं होंगी। बेटा ये आपके मन का जो भी डाउट है वो क्लियर कर देगी न्यूज़। अगर छात्रों ने प्री बोर्ड परीक्षा पास कर लिया तो ये मान सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा भी आसानी से पास हो जाएगी। दोनों परीक्षाओं के पेपर इसी प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे। तो बेटा आगे यहाँ पर देखिए, जो बच्चे टॉपर हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ बेटा, जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ कर रखा है तो प्लीज़ आप लोग उसी से पढ़िएगा, ठीक है ना। वो ज़रूर पढ़िएगा जो आपने पढ़ के रखा है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, जो एमपी के टॉपर हैं, वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर रखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस में कट गया है उसको नहीं पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आगे प्रदेश सरकार ने क्या करा है, कोरोना संक्रमण के बढ़ने के चलते स्कूल को बंद कर दिया। ऐसे में वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्रश्न बैंक जारी किया है उसे सरकारी स्कूल शिक्षकों द्वारा छात्रों को या तो प्रिंट निकाल कर उपलब्ध करवा रहे हैं या फिर उसकी PDF व्हाट्सएप करवा रहे हैं। एक दो विषय को छोड़कर सभी 10वीं 12वीं के लगभग सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी कर दी गई है, बाकी प्रश्न बैंक जल्दी जारी होगी। बेटा आगे यहाँ पर देखिए क्या बदलाव है। तो यहाँ पर लिखा है, नई प्रश्न बैंक को पूरी तरह से बदल दिया गया है। मानसिम के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने 500 प्रश्न बैंक प्रश्नों की प्रश्न बैंक बनवाकर अपलोड करवाई थी। उसमें से पढ़ाई करने के दौरान छात्रों को प्रश्नों को अंकों व अध्याय के हिसाब से वर्गीकरण करने में परेशानी हो रही थी। नई प्रश्न बैंक में छात्रों को अंकों के साथ व अध्याय के हिसाब से अलग अलग प्रश्न बैंक मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास बहुत शानदार न्यूज़ है, और प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उसकी कॉपियां अगले ही दिन दिखाना होंगी। तो बेटा जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल निश्चिंत होकर आप प्रश्न बैंक में से तैयारी करिए, 80% आपके बिल्कुल डन हैं, चाहे आप 10वीं या 12वीं हों बेटा। और साथ में मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर तो बेटा मेरी 90+ की गारंटी है कि 90+ आएंगे, और मैथ्स की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको पूरे MP के स्टूडेंट तक के फैला दो और शेयर कर दो खूब अच्छे तरीके से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।